1857 की क्या पढ़ने वाले हैं? क्रांति। देखो ये ऐसा टॉपिक है जिसको अपन ने बचपन से क्या किया है, पढ़ा है, और उनमें से कुछ बातें अपने क्या आने वाली है, काम आने वाली है। अब देखो क्या है कि अपन कभी कभी ऐसा लिखते थे कि भाई 1857 की क्रांति हमारी क्या हुई है, असफल, कारणों की व्याख्या करो। और एक क्वेश्चन आता था कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, कारणों की व्याख्या करो। तो पता है कुछ कारण जो आते थे उनमें से कोई एक कारण ऐसा है जो उस जमाने में भी तुम्हारे को याद था और आज इस जगह बैठे हुए भी तुम्हारे को याद है। कौन सा कारण था? पहले सीधा बैठ जा भाई तुम। मैं थोड़ा अलग टाइप का हूँ यार, देख मेरे 11वीं 12वीं के छोरे ऐसे होते हैं क्या? ठीक है, तो अपनी बात थी कि कारण तो खैर बहुत सारे हैं भाई साहब, सही बता रहे हैं, सैनिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, वगैरह वगैरह वगैरह। एक अच्छा कारण था जो फटाफट से याद आता था, कौन सा? तुम यार देखो, हाँ ये होती है कुछ बात। मैं बात कर रहा था किसकी? हाँ आप वो क्या, वो वीडियो देख के ना आप डायरेक्ट उस सीक्वेंस में चलते हो। अब हमारी आदत वो ऑफलाइन पढ़ाने वाली हो गई तो हम बच्चों को वहाँ से वहाँ आगे बढ़ाते हैं, तुमने ऑलरेडी वो चीज़ देख रखी है। तो देखो क्या है कि एक कारण पैदा हुआ, वो इससे पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? एक राइफल से पैदा हुआ। अब उस राइफल के बारे में क्या है, तो उस राइफल का जो नाम था वो कुछ ऐसा था, क्या था? एनफील्ड राइफल। और इस एनफील्ड राइफल के अंदर कुछ समस्या थी, वो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसके ऊपर किसका प्रयोग होता था, गाय और सुअर की चर्बी का क्या होता था प्रयोग। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि उस जमाने में इसे बंदूक में लगाने के लिए मुंह से क्या करना पड़ता था, काटना पड़ता था। और गाय और सुअर की चर्बी इन कारतूसों के ऊपर है, तो मतलब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर किन के लिए पवित्र है? मुस्लिमों के लिए क्या थे? पवित्र। मतलब कहीं ना कहीं धर्म भ्रष्ट होने वाली कुछ बात इसमें आ रही थी, ठीक है। और कभी कभी अपन एक चीज ऐसी भी लिखती थी कि भाई 1857 की क्रांति जो है वो असफल हुई। उसमें भी एक कारण ऐसा था भाई, हमारी 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध सफल थोड़ी ना हुई थी, हमारी तो क्या हुई थी, असफल हुई थी। और उसमें से एक कारण ऐसा था जो उस जमाने में भी याद है और यहाँ पे फटाफट से वो याद आता है कि ये तो वैसे तो बहुत सारी बातें थी कि हमारे राजाओं ने हमारा सहयोग नहीं किया, हमारे में रणनीति का अभाव था, हमारे में सामंजस्य की कमी थी, हमारे पास योग्य नेतृत्व नहीं था, हाँ हमारे राजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हमारी क्रांति क्या हुई, असफल। ये तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा कारण था जो उस जमाने में भी सबसे पहले याद हुआ आता था, क्या था वो? हाँ कि भाई क्रांति का समय से पहले शुरू हो जाना भी क्रांति की असफलता का बहुत बड़ा क्या बनता है, कारण। यानी हमने जो दिन क्रांति का चुना था, अपन उससे पहले ही क्या शुरू कर देते हैं, क्रांति शुरू कर देते हैं। तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा, वो सिंपल सा कुछ पूछता है कि भाई क्रांति की निश्चित दिनांक कौन सी थी। और कुछ इस तरह से ऑप्शन आते हैं कि एक ऑप्शन आता है तुम्हारे पास क्या, 10 मई 1857, एक ऑप्शन आता है तुम्हारे पास क्या, 31 मई 1857, या एक ऑप्शन आता है तुम्हारे पास 28 मई 1857, या एक ऑप्शन आता है तुम्हारे पास 29 मार्च 1857। और बिल्कुल ये चारों ही ऑप्शन मिलते हैं जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है कि हम लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जब क्रांति की योजना बनाई थी तो उस समय हमने कौन सा दिन चुना था कि हम इस दिन अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करने वाले हैं, क्रांति करने वाले हैं। तो इन चारों में तुम्हें कौन सा दिन लग रहा है? हाँ कि इन चारों में जो दिन है वो क्या है, 31 मई 1857। यानी देखो क्या है कि इस क्रांति की कुछ बातें कहां से लिखेंगे अपन, भारत से। और इस क्रांति को भारत से शुरू करके कहां लेके आएंगे हम, हमारे राजस्थान में। तो अपन सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो भारत के बारे में। तो आप एक छोटी सी हेडिंग डालो, क्रांति में भारत की स्थिति, एक हेडिंग डालिए क्रांति में भारत की स्थिति, हेडिंग डालो क्रांति में भारत की स्थिति। लिखा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो क्या है कि क्रांति के बारे में क्या है, तो ये तो चीज क्लियर होगी कि हम सब लोगों ने क्रांति के लिए एक दिन चुना,
यानी एग्जाम में पूछेगा कि क्रांति की निश्चित दिनांक कौन सी है, ठीक है, तो हम बता देंगे कि भाई क्रांति की निश्चित दिनांक जो थी वो क्या थी, 31 मई 1857, मतलब इस दिन हमें क्या करनी है, क्रांति, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या है, तो हम लोगों ने क्रांति के दो क्या भी डिसाइड किए, क्या भी बनाए हम लोगों ने, प्रतीक चिन्ह, दो सिंबल बनाए, मतलब वो जहाँ जहाँ पास होते जाएंगे मतलब वहाँ वहाँ क्या हो रही है, क्रांति। तो क्रांति के दो प्रतीक चिन्ह कौन कौन से, तो एक तो हमने क्या बनाया, रोटी, और एक प्रतीक जो हमने बनाया वो क्या बनाया, तो वो क्या बनाया था, कमल का फूल। ये हमने दो डिसाइड किए कि रोटी और कमल का फूल हमारी क्रांति के क्या हैं, प्रतीक है। बस एक नई चीज़ सीखनी है कि क्रांति करने वाले सैनिक भी थे तो सामान्य जनता भी थी। तो एग्जाम में पूछेगा कि सैनिकों के लिए क्रांति का प्रतीक निम्न में से है, और वहाँ पे होगा क्या, रोटी भी अलग ऑप्शन में आएगा, कमल का फूल भी अलग ऑप्शन में आएगा। तो ध्यान रखना कि रोटी जो है ये किसके लिए प्रतीक था, हाँ किसके लिए प्रतीक था, सामान्य जनता के लिए, और कमल का फूल किनके लिए प्रतीक बना, तो किनके लिए प्रतीक बना था, सैनिकों का। तो सैनिकों का प्रतीक था कमल का फूल, और जनता का प्रतीक क्या था, तो आपको बताना क्या था जनता का प्रतीक, रोटी। अब यहाँ से आगे क्या है कि जब हमने क्रांति की तो एक आदमी इस समय भारत का क्या था, मुगल शासक। जब हमने क्रांति की तो एक आदमी इस समय भारत का क्या था, मुगल शासक। और बचपन से तुम उस आदमी का नाम जानते हो कि क्रांति में भारत का मुगल शासक कौन था, हाँ कि उस आदमी का नाम क्या था, बहादुर शाह जफर। लेकिन कंपटीशन क्या है, एग्जाम में पूछेगा कि क्रांति में भारत का मुगल राजा कौन था, ऑप्शन आएगा बहादुर शाह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ध्यान रखना कि क्रांति में जो भारत का मुगल शासक था उसका नाम था बहादुर शाह, लेकिन वो कौन से नंबर का था, तो आपको बताना कौन से नंबर का था, सेकंड नंबर का। और इसी बहादुर शाह सेकंड को क्या कहते थे, जफर कहते थे। जफर इसलिए कहते थे क्योंकि भाई साहब जफर नाम से कविताएं और गजलें लिखते थे, कविताएं और गजलें लिखने का शौक था जफर नाम से, इसलिए बहादुर शाह सेकंड का एक नाम क्या पड़ गया, बहादुर शाह जफर। अब यहां से आगे क्या है कि जब हमने क्रांति की तो हम किनके गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो एक आदमी जो भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी होगा, तो भारत में सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी को बोलते थे क्या, तो भारत में सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी को क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताओ क्रांति के समय कौन सा आदमी भारत का क्या था, गवर्नर जनरल। तो देखो कि क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल जो था, तो आप उसका नाम बताएंगे क्या, लॉर्ड कैनिंग। कि लॉर्ड कैनिंग इस समय हमारे भारत का क्या था, गवर्नर जनरल। और हमने क्रांति की किनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेज कहाँ के, इंग्लैंड के, है ना। तो हम जब भारत में क्रांति कर रहे थे, तो उधर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, यानी उस जमाने में इंग्लैंड जो था वो कहलाता था क्या, तो क्रांति के समय कौन सा आदमी ब्रिटेन का क्या था, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। तो क्रांति के समय इंग्लैंड या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस आदमी का नाम बताना है कि उस आदमी का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या बताना है, पोमस्टन। अभी कुछ शुरू नहीं किया, दो चार बातें यही है कि हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्रांति हमें किस दिन करनी है, 31 मई 1857। क्रांति के दो सिंबल है क्या क्या है, रोटी और कमल का फूल। रोटी किन के लिए प्रतीक है, जनता के लिए, और कमल का फूल किनका प्रतीक है, सैनिकों के लिए। जब हमने क्रांति की हमारा मुगल राजा कौन था, बहादुर शाह सेकंड, इसी को तुम क्या बोलोगे, जफर। भारत का गवर्नर जनरल इस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और जब हमने भारत में क्रांति की उधर इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो नाम बताना उसका क्या, पोमस्टन। तो पहले कुछ लिखो फिर बड़ी बातें करते हैं, लिखो देख, लिखो क्रांति की निश्चित दिनांक, लिखिए क्रांति की निश्चित दिनांक, क्रांति की निश्चित दिनांक लिखो 31 मई 1857। क्रांति की निश्चित दिनांक लिखिए 31 मई 1857, 31 मई 1857। नेक्स्ट लिखो, लिखो क्रांति के प्रतीक चिन्ह, क्रांति के प्रतीक चिन्ह लिखो रोटी व कमल का फूल,
देखो क्रांति के प्रतीक चिन्ह है, लिखिए रोटी व कमल का फूल, रोटी व कमल का फूल। रोटी है जनता के लिए, कमल का फूल है सैनिकों के लिए, अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो इस समय भारत का मुगल शासक, लिखो भारत का मुगल शासक, भारत का मुगल शासक, लिखो बहादुर शाह द्वितीय, भारत का मुगल शासक, लिखो बहादुर शाह सेकंड। और बहादुर शाह सेकंड को ही आप किस नाम से लिखोगे? हाँ, ये जफर है। और जफर क्यों कहते हैं इसको? हाँ, गजल और कविता लिखता था जफर नाम से, इसलिए, है ना, कवि था ये। नेक्स्ट लिखो, लिखो क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल, लिखो नेक्स्ट, क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल, क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल, लिखो लॉर्ड कैनिंग, क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल, लिखिए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और एक लिखो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, क्योंकि हम ब्रिटेन वालों के ही गुलाम थे, लिखो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, लिखो पॉमस्टन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, लिखो पॉमस्टन, पॉमस्टन। लिख दिया आप लोगों ने यहां तक? मैं बढ़ू यहां से आगे, ठीक है। अब देखो यहां से आगे क्या है, तो एक ही काम हुआ है अभी कि हम सब लोगों ने मिलके डिसाइड किया है साहब कि हम लोग कब क्रांति करेंगे, 31 मई 1857। यहां तक ही पढ़ा अभी अपन ने। अब यहां से आगे क्या है कि ये तो डिसाइड है हमारी योजना के अनुसार, इस दिन हमें क्रांति करनी है 31 मई। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिससे राय नहीं जा रहा था, वो तो आदमी क्या, मैं तो आज की आज क्रांति करूंगा, ठीक है। तो वो आदमी कहाँ बैठा हुआ था? तो वो आदमी बैठा हुआ था कहाँ, एक कहाँ बैठा हुआ था, एक छावनी में। और किस छावनी में बैठा हुआ था? तो उस छावनी का नाम क्या था? बैरकपुर। बैरकपुर जगह का नाम है, ये बैरकपुर नाम की जो जगह है वो कहाँ आती है? बंगाल। अब बैरकपुर छावनी में बैठा हुआ ये आदमी, और ये क्या कहता है? ये कहता है कि आज तो कुछ भी हो जाएगा, हम सब सैनिक, हम सब सैनिक किस बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे? तो हम सब सैनिक किस बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे? एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस एनफील्ड राइफल के अंदर, इस एनफील्ड राइफल के अंदर जो क्या लगते हैं, कारतूस, उस कारतूस के ऊपर किनकी, गाय और किनकी चर्बी होती है, सुअर की चर्बी होती है। और इसको राइफल में लगाने से पहले मुंह से क्या करना पड़ता था, काटना पड़ता था। भी पहले के ज़माने में बंदूक ऐसी थी, इतनी बड़ी तो क्या आती थी बंदूक, जिसको आप लोग गाँव के अंदर देखते हो, और उस बंदूक को चलाने में नाटक बहुत सारे होते थे कि पहले बंदूक इतनी बड़ी है, बंदूक को क्या करो, पहले तो खोलो, जेब से निकालो कारतूस, कारतूस को मुँह से काटो, कितनी गोलियाँ जाएगी, केवल दो ही जाएगी, दो भरी, फिर बंदूक को वापस क्या करो, बंद, फिर एक ट्रिगर होता है लंबा, ट्रिगर को क्या करो, खींचो। अब इतने प्रोग्राम में तो जिस आदमी के गोली चलानी होती है वैसे ही भाग जाता था, टाइम पे बंदूक चलती नहीं थी। अब आज तो जमाना ऑटोमेटिक का हो गया, लेकिन उस जमाने में ये समस्या थी। तो इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लग रहे हैं उनके ऊपर गाय और किनकी चर्बी लगी थी, तो ये कह रहे कि हमारा धर्म क्या हो रहा है, भ्रष्ट। अब सब सैनिक हड़ताल करके बैठ गए इस आदमी के नेतृत्व में। तो ये बात पता पड़ी दो बड़े अंग्रेजों को, जिनमें से एक अंग्रेज का नाम क्या था, बा, अब उनके नाम ऐसे हो सकते हैं, अंग्रेज है वो इसलिए, और एक का नाम क्या था, तो एक का नाम क्या था, ह्यूमर्स। तो कहीं कहीं ध्यान रखना, ह्यूमर्स जो है ये ट्रांसलेशन में कहीं कहीं किस नाम से भी लिख देते हैं, ह्यूसन। तो ये एक ही पार्टी है, इसको चाहे ह्यूसन को, चाहे इसको क्या को, ह्यूमर्स को, एक ही आदमी का नाम है। और बाघ और ह्यूमर्स को भी ये पता पड़ा कि भाई इस आदमी के नेतृत्व में सभी सैनिक हड़ताल करके बैठे हुए हैं, और सैनिकों ने मना कर दिया कि हम आज से छावनी में किस बंदूक का यूज़ नहीं करेंगे, एनफील्ड राइफल का। अब ये दोनों शायद अच्छे आदमी थे, और ये दोनों आदमी जाते हैं इस आदमी को समझाने कि भाई अपन इस आदमी को समझा देते हैं, इनको कहते हैं कि भाई इस बंदूक में ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब सैनिक इसका क्या कर लो यूज़। अब ये दो तो अच्छा काम करने गए, कौन, बाघ और ह्यूमर्स। अब बाघ और ह्यूमर्स तो समझाने गए इस आदमी को, लेकिन इस आदमी ने हमेशा के लिए किनको समझा डाला, बाघ और ह्यूमर्स।
मतलब उस आदमी ने इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर डाली, हत्या कर डाली। अब हमें देखना है कि साला ऐसा कारनामा करने वाला अपना आदमी कौन है। अब उसने काम तो अच्छा किया कि दो अंग्रेजों को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसा कारनामा करने वाला हमारा जो आदमी था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, तो नाम उसका क्या बताना है, मंगल पांडे। अपन तो खुश हो गए कि मंगल पांडे ने दो अंग्रेजों को क्या कर डाला, मार डाला। लेकिन मंगल पांडे के इस काम से हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हाथ में लगा। क्या नुकसान हाथ लगा कि मंगल पांडे ने जब ये प्रोग्राम किया था तो वो दिन केवल क्या था, क्या था, 29 मार्च ही था। और जैसे मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अधिकारियों को मारा, छावनी के अंदर और प्रदर्शन होने लग गए, सब सैनिक किसके साथ लग गए, मंगल पांडे के साथ। उन्होंने अभी से क्रांति क्या कर दी, शुरू कर दी। और अंग्रेजों को पता पड़ गया कि ये भारत के सैनिक, भारत के लोग हमारे विरुद्ध कब क्रांति करने के प्लान बना चुके हैं, 31 मई। यानी जो प्रोग्राम 31 मई को होना था वो मंगल पांडे भाई साहब ने कब चालू कर दिया, 29 मार्च, टाइम से पहले। कब चालू कर दिया, समय से पहले। अब समय से पहले इतना बड़ा काम चालू हो रहा है, मतलब बिगड़ना क्या है, निश्चित है। लेकिन अब इसने दो अंग्रेजों को क्या किया, मौत के घाट उतारा। फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। अंग्रेजों ने किसको तोक लिया, मंगल पांडे। और मंगल पांडे को किस दिन, 8 अप्रैल 1857 छावनी के अंदर ही मंगल पांडे को क्या दे दी, फांसी। क्रांति के नाम पे पहली शहादत किसने दी, मंगल पांडे। यानी पूरे भारत के इतिहास में क्रांति के नाम का पहला शहीद होने वाला व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, मंगल पांडे। किस छावनी का सैनिक, बैरकपुर छावनी का सैनिक। अब मंगल पांडे ने काम तो अच्छा किया, दो अंग्रेजों को मारा, लेकिन इससे हमारी प्लानिंग भी अंग्रेजों के सामने खुल जाती है। अंग्रेजों को भी संभलने का क्या मिल गया, मौका मिल गया कि कहाँ 29 मार्च और कहाँ 31 मई, बहुत वेरिएशन आ गया। जो ये घटनाक्रम चला है, जो ये घटनाक्रम चला है, इसको भी एग्जाम में कुछ पूछते हैं। तो ये मंगल पांडे द्वारा दो अधिकारियों को मार डालना और यहीं से क्रांति की शुरुआत हो जाना, ये क्रांति के इतिहास में कौन सा कारण माना जाता है, तो क्रांति के इतिहास में कौन सा कारण माना जाता है, तात्कालिक कारण। तो ये तात्कालिक कारण किस दिन घटित हो गया, 29 मार्च 1857। और मंगल पांडे जो है किस छावनी में नौकरी करने वाला व्यक्ति था, बैरकपुर छावनी में। तो पहले कुछ लिखो फिर आगे की बातें करते, लिखो हेडिंग डालो एक लाइन छोड़ के, क्रांति का तात्कालिक कारण, क्रांति का तात्कालिक कारण, क्रांति का तात्कालिक कारण। लिखो बैरकपुर छावनी, बैरकपुर जगह का नाम है पश्चिम बंगाल में ना, लिखो बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 लिखा आप लोगों ने। अब इसमें लिखिए, लिखो इस छावनी के सैनिक, लिखो इस छावनी के सैनिक मंगल पांडे द्वारा, लिखो आप लोग इस छावनी के सैनिक मंगल पांडे द्वारा, मंगल पांडे द्वारा एनफील्ड राइफल का, मंगल पांडे द्वारा एनफील्ड राइफल का, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर देना, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर देना, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर देना, क्योंकि क्योंकि इसमें लगने वाले कारतूसों पर, लिखो क्योंकि इसमें लगने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, इसमें लगने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। लिखा आप लोगों ने, नेक्स्ट लिखो, लिखो मंगल पांडे द्वारा, लिखो मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारी, लिखो मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारी बाग, आदमी का नाम ही ऐसे ही है, बाकी अपने इधर तो गार्डन होता है। लिखो लिखो मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारी बाग व ह्यूमर्स,
ह्यूमर्स को कहीं कहीं ट्रांसलेशन में ह्यूसन भी कर दिया तो भी यही आदमी है ना। लिखो लिखो, मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारी बाघ व ह्यूमर्स की हत्या कर दी जाती है। बाघ व ह्यूमर्स की हत्या कर दी जाती है। बाघ व ह्यूमर्स की हत्या कर दी जाती है। लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, 8 अप्रैल 1857। लिखो, 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी। मंगल पांडे को फांसी, जो क्रांति का प्रथम शहीद कहलाया। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी, जो क्रांति का प्रथम शहीद कहलाया। जो क्रांति का प्रथम शहीद कहलाया। लिख दिया आप लोगों ने। अब देखो क्या है कि इतिहास में यह पढ़ाया गया है कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस ने समस्या पैदा की थी। समस्या गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस कभी थे ही नहीं। समस्या थी तो केवल ये थी। क्या थी? क्या थी? एनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूस ही चर्बी वाले फिट होते थे। अगर ये राइफल नहीं होती तो बाकी दूसरी राइफल के अंदर बिना चर्बी वाले कारतूस भी जाते थे, लेकिन इस राइफल ही ऐसी थी जिसमें केवल चर्बी युक्त कारतूस ही प्रयोग किया जाता था। और इसमें यह था कि बड़ी टेक्निकल चीज़ थी कि चर्बी का प्रयोग उन्होंने कारतूसों पर क्यों किया, तो चर्बी लगने से कारतूस क्या हो जाते थे? चिकने। और उनकी स्पीड बड़ी अच्छी बनती थी, इसलिए इस बंदूक में, केवल इसी बंदूक में अंग्रेजों के ज़माने में गाय और सुअर की चर्बी वाले क्या लगे थे? कारतूस। बाकी हमारे सैनिक इस एनफील्ड राइफल से पहले, हमारे सैनिक इस एनफील्ड राइफल से पहले किस राइफल, किस बंदूक का यूज़ करते थे? तो एक बंदूक का नाम क्या था? ब्राउन बेंस। बस अंग्रेजों ने यही गलती कर दी कि इस ब्राउन बेंस राइफल को बंद करके इससे थोड़ी अच्छी, इससे थोड़ी अपडेट राइफल ले आए। और राइफल कौन सी थी? एनफील्ड राइफल। बस इसमें यह समस्या थी कि इसमें केवल चर्बी युक्त कारतूस ही जा सकते थे। लेकिन अपने को पूछ ले कि भारतीय सैनिक एनफील्ड राइफल से पहले किस बंदूक का प्रयोग करते थे, तो उस बंदूक का नाम क्या बता देना है? ब्राउन बेंस। तो लिखो यहीं पे ब्रैकेट बना के, लिखो भारतीय सैनिक एनफील्ड राइफल से पूर्व, भारतीय सैनिक एनफील्ड राइफल से पूर्व, एनफील्ड राइफल से पूर्व ब्राउन बेंस, एनफील्ड राइफल से पूर्व ब्राउन बेंस राइफल का प्रयोग करते थे। ब्राउन बेंस राइफल का प्रयोग करते थे। ब्राउन बेंस राइफल का प्रयोग करते थे। लिख दिया आप लोगों ने। अब देखो यहां से आगे होने वाला क्या है। तो अभी दो काम ही हुए हैं। पहला काम कि भाई हम लोगों को क्रांति करनी कब थी? 31 मई 1857। लेकिन मंगल पांडे ने प्रोग्राम कब चालू कर दिया? हाँ, के कब चालू कर दिया? 29 मार्च। और कहाँ पे चालू कर दिया था? कहाँ पे चालू कर दिया था उसने? बैरकपुर। अब यहाँ से आगे क्या हुआ कि जब हमारे सैनिकों ने कहाँ क्रांति कर दी? बैरकपुर। तो ये बैरकपुर वाले सभी सैनिक भागते हैं, और ये क्रांति करने के बाद सब कहाँ भागे? तो ये भागे वापस कहाँ? एक छावनी में भागे। और किस छावनी में भागे? तो उस छावनी का नाम क्या था? मेरठ छावनी। मेरठ आता है यूपी के अंदर, और मेरठ के अंदर एक छावनी। अब मेरठ के अंदर क्या हुआ कि जो हमारे क्रांति करने वाले या क्रांति का नेतृत्व करने वाले जितने भी बड़े नेता थे, वो सब कहाँ इकट्ठा हुए? मेरठ के अंदर। और बैरकपुर वालों का भी कहाँ पहुँचना हो गया? मेरठ में। जैसे ये बैरकपुर के सैनिक कहाँ पहुँचे? मेरठ के अंदर। तो मेरठ वालों ने बड़ा भला बुरा कहा, कहाँ के सैनिकों को? कि बेवकूफ़ो, तुमने क्या कर दिया? हमें तो कब क्रांति करनी थी? 31 मई। लेकिन तुमने तो कब शुरू करवा दी? 29 मार्च को। अब बैरकपुर वालों ने कह दिया जो होना वो तो हो गया, और हमारा इस चक्कर में एक आदमी को फांसी भी मिल गई जिसका नाम क्या था? मंगल पांडे नाम था। अब जब हमारे सभी क्रांति के बड़े नेता कहाँ इकट्ठे हुए? मेरठ छावनी में। तो हमारे जो बड़े नेता थे उनके पास केवल दो ही रास्ते बचे थे, उनमें से कोई एक रास्ता चुनना था, और क्या निकलना था? वहां से आगे निकलना था। जब हमारे सभी सैनिक मेरठ में इकट्ठा है तो हमारे दो रास्ते कौन से बचे? एक तो रास्ता ये था कि मंगल पांडे ने जो क्रांति की आग लगा दी है इसे चुपचाप से क्या कर दो? बुझा दो। एक रास्ता तो ये, और दूसरा रास्ता ये था कि मंगल पांडे ने जो क्रांति की आग लगा दी उसे बुझाओ मत, अब उसे आगे बढ़ने दो। तो हमने कौन सा रास्ता चुन लिया होगा?
आगे बढ़ने का। तो इस चक्कर में मेरठ छावनी में किस दिन क्रांति हो गई? तो मेरठ छावनी में किस दिन क्रांति हो गई? 10 मई 1857 को कहां क्रांति हो जाती है? मेरठ में क्रांति हो गई थी। अब यहां पे पढ़ना क्या है कि मेरठ में जो क्रांति हुई और बैरकपुर में जो क्रांति हुई उसमें रात और दिन का अंतर है। बैरकपुर में क्रांति का कोई प्रोग्राम नहीं था, वहां तो मंगल पांडे को छेड़ा, उसने अपना काम कर दिया। लेकिन हमारे सैनिकों ने एक योजना बना के एक प्लानिंग के साथ सबसे पहली क्रांति कहाँ की? तो एग्जाम में पूछते हैं कि क्रांति का पहला कौन सा विद्रोह? क्रांति का पहला कौन सा विद्रोह? सैनिक विद्रोह। क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेरठ। अब एक चीज और पढ़नी है कि भारत में क्रांति फैली थी किस छावनी से? तो ध्यान रखना कि भारत में क्रांति आपको कहाँ से नहीं फैलानी है? बैरकपुर से नहीं फैलानी है। भारत में क्रांति फैली थी किस छावनी से? तो आपका उत्तर क्या होगा? मेरठ छावनी। और मेरठ छावनी में क्रांति कब हुई थी? 10 मई 1857। तो लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह, लिखो क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह, क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह लिखो मेरठ छावनी, मेरठ छावनी 10 मई 1857, 10 मई 1857, 10 मई 1857 लिखा आप लोगों ने। अब देखो क्या है कि इसी मेरठ से हमारी दास्तान भी क्या हो जाएगी? शुरू। अभी तक तो तीन काम हो गए भी, क्रांति करनी कब थी? 31 मई। बैरकपुर में कब हुई? 29 मार्च। मेरठ में कब हुई? जब हमारे सैनिकों ने मेरठ में क्रांति की तो मेरठ के आधे सैनिक सीधे कहाँ पहुंचे? दिल्ली जाना है, बहादुर शाह जफर से मिलना है, उसको क्रांति की सूचना देनी है। और इसी मेरठ छावनी के आधे सैनिकों का प्रवेश कहाँ हुआ? हमारे, अब यहीं से अपनी कहानी भी क्या हो रही है? शुरू। क्योंकि जो ये आधे सैनिक है ये जाना तो वहीं चाह रहे थे, कहाँ? लेकिन कौन से रास्ते होके जाना चाह रहे थे? राजस्थान होके। तो इन्हीं मेरठ छावनी के सैनिकों का प्रवेश कहाँ हुआ? राजस्थान में। और राजस्थान में ये मेरठ छावनी के सैनिक किस दिन? 19 मई के दिन ये मेरठ छावनी के सैनिक राजस्थान में कहाँ तक घुस जाते हैं? अजमेर तक। लेकिन फिर भी अजमेर में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसका एक रीजन अपन लिखने वाले थोड़ी देर में। तो मेरठ छावनी के सैनिक 10 मई को क्रांति करते हैं, 19 मई को राजस्थान में कहां तक पहुंच गए? अजमेर तक। लेकिन अजमेर शहर में घुसने की कोशिश नहीं की। ये सब अजमेर के सहारे होते होते, ये सब अजमेर के सहारे होते होते कहां पहुंचे? और नसीराबाद में भी क्या थी? एक छावनी। इन्हीं मेरठ के सैनिकों ने, इन्हीं मेरठ के सैनिकों ने राजस्थान में सबसे पहले, इन्हीं मेरठ के सैनिकों ने राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की आग कहां लगाई थी और कब लगाई थी? तो आप एक डेट याद रखेंगे, कब लगाई थी? 28 मई 1857। यानी तुम्हारे को पूछेगा कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कब हुई? 28 मई 1857। कहां हुई? नसीराबाद। और किन बार के सैनिकों ने यह प्रोग्राम किया? मेरठ के सैनिकों ने किया था। तो लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति, लिखो राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का स्थल, राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का स्थल लिखो नसीराबाद छावनी 28 मई 1857। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति लिखो नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी 28 मई 1857, 28 मई 1857। ये चार डेट ऐसी है जो कंफ्यूज करती है, लेकिन चारों डेट का आइडिया आ गया। 31 मई क्रांति का दिन था, 29 मार्च मंगल पांडे वाली क्रांति, 10 मई मेरठ में क्रांति, 28 मई राजस्थान वाली क्रांति जो नसीराबाद में। यानी अपन क्रांति को भारत से शुरू करवा के कहाँ प्रवेश कर चुके हैं? राजस्थान। अब अपने को क्रांति की बात करनी है किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। अब आप लोग हेडिंग डालो, क्रांति में राजस्थान की स्थिति। हेडिंग डालिए, क्रांति में राजस्थान की स्थिति। क्रांति में राजस्थान की स्थिति
लिख दिया आप लोगों ने। अब देखो क्या है कि राजस्थान में क्या क्या पढ़ना है, अपना काम तो अब चालू हुआ है। तो पहला तो ये कि जब क्रांति हुई थी तब राजस्थान में हमारे पास क्या थी भाई, क्या थी, सैनिक छावनियाँ। आपको इतना सिंपल क्वेश्चन भी मिल जाता कितनी बार कि भाई क्रांति में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, छः। पहला काम तो हो गया। फिर क्वेश्चन बनेगा कि बताओ राजस्थान में क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी, कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी। एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिला और उसमें यूँ था कि एक ऑप्शन जो आया वो क्या आया था, नसीराबाद। एक ऑप्शन जो आया था वो क्या आया था, तो क्या आया था वो निमराणा। एक ऑप्शन जो आया था वो क्या आया था, एरिनपुरा। और एक ऑप्शन जो आया था वो क्या था, नीमच। सेम ऑप्शन था कि भाई क्रांति के समय राजस्थान में इनमें से कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी, हाँ तो ध्यान रखना कि कौन सी नहीं थी, निमराण। निमराणा आता है अलवर में। इस जगह का क्रांति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ध्यान रखना क्या कंफ्यूज करता है वहाँ पे, क्योंकि नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता, कहाँ आता है, एमपी में आता है, लेकिन बात अपन राजस्थान की क्रांति कर रहे हैं। तो ये वो जमाना था जब ना तो कोई एकीकरण हुआ ना किसी प्रकार का बंटवारा हुआ। उस समय तो नीमच भी हमारे राजपुताने का क्या था, हिस्सा था। अपन को पता है कि अपने को राजपुताना नाम किसने दिया था, किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने, मरुकांतर वाल्मीकि की रामायण में। और हम राजपुताना से राजस्थान वाले कब से कहलाने लग गए थे, कब से कहलाने लग गए, 26 जनवरी 1950। हम राजपुताना से कहाँ के लोग हो गए थे, राजस्थान वाले। एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द कब जुड़ा, सेकेंड चरण में। राजस्थान को बी कैटेगरी का दर्जा कब मिला, 26 जनवरी 1950। वागड़ संघ बनाने की योजना किसकी थी, डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह की। फैजल अली कमेटी में कितने सदस्य थे, 3। मत्स्य संघ को विशाल राजस्थान में मिलाया किस कमेटी की सिफारिश पर, शंकर देवराय कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, तो बात अपनी क्रांति की चल रही है, तो क्रांति में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। तो 6 सैनिक छावनियों में कौन सी थी या नहीं थी, तो आपको एक वर्ड याद रखना है। और आपको जो एक वर्ड याद रखना है उसका नाम क्या है, तो वर्ड आपके लिए क्या है, नाकबंद। एक वर्ड आपको याद रखना क्या है, नाकबंद। अब इनमें सब नाम छिपे हुए हैं, तो एन से जो नाम छुपा हुआ है वो क्या है, नसीराबाद। ए से जो नाम छुपा हुआ है वो क्या है, एरिनपुरा। के से जो नाम छुपा हुआ है, खेरवाड़ा। बी से जो नाम है वो है ब्यावर। एन से नाम क्या है, नीमच। और डी से नाम जो क्या है, देवली। क्लियर। अब देखो क्या है कि देवली जो है वो कहाँ है, टोंक, ब्यावर, अजमेर, खेरवाड़ा, उदयपुर, एरिनपुरा, पाली और नसीराबाद कहाँ है, अजमेर। लेकिन ध्यान रखना कि नीमच भी उस समय अपने राजपुताने का ही हिस्सा था, लेकिन आज ही आता है कहाँ, मध्य प्रदेश। लेकिन नीमच छावनी राजपुताना की ही छावनी गिनी जाती थी। तो क्रांति में कितनी सैनिक छावनियाँ थी हमारे पास, 6। अब यहाँ पे भी एक लाइन पढ़ी लेते हैं कि 6 सैनिक छावनी हमारे पास थी, तो इनमें स्थापित पहली सैनिक छावनी कौन सी थी, ये सब सीक्वेंस में है। तो इनमें स्थापित पहली सैनिक छावनी जो थी वो कौन सी थी, नसीराबाद छावनी ही थी। और नसीराबाद छावनी की क्या हुई, स्थापना। तो नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई, तो आप बताना नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई थी, 1818 में। तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो खैर आएगा नहीं, और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन पहले ये लिखे देखें। देखो क्रांति के समय राजस्थान में, क्रांति के समय राजस्थान में निम्न 6 सैनिक छावनियां थी, क्रांति के समय राजस्थान में निम्न 6 सैनिक छावनियां थी, निम्न 6 सैनिक छावनियां थी। लिख दो नाक बंद करके ऐसे, लिखो एन से लिखिए आप लोग, नसीराबाद, नसीराबाद आता अजमेर में, नसीराबाद अजमेर। और नसीराबाद में लिख देना प्रथम छावनी स्थापना 1818, प्रथम छावनी स्थापना 1818। सेकंड लिखिए एरिनपुरा, एरिनपुरा कहाँ है, पाली। ठीक है, फिर आप कैसे लिखो आप लोग, खेरवाड़ा,
खेरवाड़ा उदयपुर जिले में आता ना, कैसे है खेरवाड़ा उदयपुर, बी से लिखिए ब्यावर, ब्यावर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता अभी ना, एन से लिखो नीमच, एन से लिखिए नीमच, और डी से लिखो देवली, देवली कहाँ आता है टोंक में, देवली आता है टोंक। लिख दिया आप लोगों ने यहां तक, मैं चलो यहां से आगे। अब देखो यहां से आगे क्या है कि अभी तक तो एक ही चीज पढ़ी राजस्थान के बारे में कि क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां हैं, छह। अब नई चीज पढ़नी है, देखो क्या नई चीज पढ़नी है, तो हमें कोई पूछे कि क्रांति में, क्रांति में भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, भारत के सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी को बोलते थे गवर्नर जनरल, तो वैसे अपने को पढ़ना है कि भाई क्रांति में राजस्थान का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो यहां पे तीन चीजें तुम्हारे को सीखनी है, क्या सीखनी है, तो देखो कि अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के समय भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता था, तो उसको बोलते थे क्या, जीजी, क्या बोलते थे, जीजी मना गवर्नर जनरल, क्लियर। अब देखो क्या है कि जैसे आज भारत बटा है प्रांतों में या राज्यों में, उस जमाने में भी भारत किस में बटा था, प्रांत या राज्य में। तो हमें यह पूछे कि बताओ कि अंग्रेजों के जमाने में किसी राज्य या प्रांत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता था। भी भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी तो क्या कहलाता था, गवर्नर जनरल। तो किसी राज्य या स्टेट का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाएगा, तो किसी राज्य या स्टेट का जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी कहलाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए जी जी। देखो जी जी मने तो क्या है, गवर्नर जनरल, और ए जी जी मने क्या हो गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल, क्लियर। तो किसी राज्य या प्रांत के सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी को अंग्रेजों के जमाने में क्या कहते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जैसे आज राज्य बटा है, जैसे आज राज्य किस में बटा है, जिलों में, भाई कितने जिले अपने पास, 25 है कि 26 है, अरे झग रहे हो, कितने हैं, 33। 19 रियासतों ने कितने जिलों का निर्माण किया था, 25। 26वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना, अजमेर, कब बना था, 1 नवंबर 1956, ठीक है। तो उस जमाने में जिले नहीं होके क्या होती थी, तो रियासत के सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी को क्या कहेंगे, जैसे भारत के सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी को क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल, किसी राज्य के सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी को क्या बोल रहे हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और किसी रियासत के सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी को बोलते थे क्या, पी ए जी। और ये पी ए जी क्या बीमारी है, तो पी ए जी का मीनिंग आपके लिए क्या है, तो पी ए जी का मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल एजेंट। अब देखो क्या है कि भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल, जो पूरे भारत में कितना होता था, एक, भारत उस समय भी प्रांतों में बटा हुआ था, हर प्रांत पे जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी होगा उसको क्या बोलेंगे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्रांत बटे थे रियासत में, रियासत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहला रहा है, पॉलिटिकल एजेंट, यानी पॉलिटिकल एजेंटों की नियुक्ति कहाँ होती थी, रियासत पर, एजेंट टू गवर्नर जनरलों की नियुक्ति राज्य या प्रांत पर, और गवर्नर जनरल की नियुक्ति पूरे भारत के लिए एक ही आदमी होता था। अब देखो क्या है कि हमारा संविधान जो है उसमें बिल्कुल इनको कॉपी किया गया है, इन्हीं चीजों को आपस क्या कर लिया है, कॉपी किया है। कैसे कॉपी किया, कि ये जो गवर्नर जनरल है ना, यही गवर्नर जनरल को आज हमने आज का क्या बना रखा है, बस फर्क यही है, वो गवर्नर जनरल था, आज हम क्या बोल रहे हैं इसको, राष्ट्रपति। ये एजीजी जो है ना, ये क्या बन गया भाई, राज्यपाल। भाई गवर्नर जनरल भी इंडिया में एक ही था, राष्ट्रपति भी पूरे भारत में कितना है, एक, राज्य में राज्यपाल भी कितना होता है, एक, और उस जमाने में एजेंट टू गवर्नर जनरल भी एक। उस जमाने में एजेंट टू गवर्नर जनरल ही किसी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था, और आज राज्यपाल ही राज्य का सबसे बड़ा क्या है, अंग्रेज अधिकारी। एक बार क्वेश्चन बना केवल ग्राम सेवक के अंदर, क्या क्वेश्चन बना
कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सी पोस्ट, पॉलिटिकल एजेंट की पोस्ट, निम्न में से कौन सा पद होगा? पॉलिटिकल एजेंट की पोस्ट वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा पद है? तो ये पोस्ट जो है ना, इसको वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको बोलते हैं जिला कलेक्टर यानी डीएम, या इसको आप चाहो तो क्या भी कह सकते हैं जिलाधीश। ये बिल्कुल हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में बिल्कुल ऐसे ही कॉपी हो रखे हैं। गवर्नर जनरल आज का राष्ट्रपति है, एजीजी आज का क्या है, राज्यपाल, और वो रियासत वाला पीएजी आज क्या है, जिला कलेक्टर, ये क्या है, जिलाधीश। तो तीनों चीजों को उतारो, देखे फटाफट लिखो। अंग्रेजों के समय भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेजों के समय भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, लिखो नाम, लिखो गवर्नर जनरल। अंग्रेजों के समय भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल। और यही गवर्नर जनरल आज की व्यवस्था में क्या है? राष्ट्रपति, है ना, ठीक है। फिर सेकंड लाइन लिखो, राज्य या प्रांत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, डॉट डॉट करके लिख दो, तो केवल ऊपर वाली लाइन तो सेम रहेगी, राज्य या प्रांत वर्ड आ जाएगा ना। राज्य या प्रांत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, राज्य या प्रांत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता है? एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये एजीजी आज का क्या बन गया? राज्यपाल बन गया ना, ठीक है। और किसी रियासत का, किसी रियासत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, किसी रियासत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता था उस जमाने में? पीएजी। पीएजी माने पॉलिटिकल एजेंट, और यही पॉलिटिकल एजेंट आज के जमाने का क्या कहला रहा है? जिला कलेक्टर या जिलाधीश बोलते हैं अपन इसको ना, जिला कलेक्टर या जिलाधीश। जिला कलेक्टर या जिलाधीश, ठीक है। एक बार ऐसा सचिव के अंदर पूछ लिया गया, राम सेवक बोलते थे उसको पहले ना, लिख दिया आप लोगों ने, बढ़ ले यहां से आगे हम, ठीक है। अब देखो यहां से आगे क्या है, तो ये तो अपन जानते हैं कि क्रांति में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी भारत का कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब अपने को बात करनी हमारे राजस्थान की, तो क्रांति में एक आदमी ऐसा होगा जो राजस्थान का क्या होगा? एजीजी, मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। तो क्रांति में राजस्थान का एजीजी कौन था? तो आपको कोई पूछे तो आप बताओगे कि क्रांति में राजस्थान का एजीजी जो था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? पैट्रिक लॉरेंस। कैनिंग तो गवर्नर जनरल है, और भाई साहब राजस्थान के क्या है? एजीजी। अब इस पैट्रिक लॉरेंस के, दो ऑफिस थे, ऑफिस मने मुख्यालय। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना, तो अंग्रेज अपना सारा काम राजस्थान में कहां से करते थे? अजमेर से। जब हम गुलाम थे तो राजस्थान में अंग्रेजों की राजधानी क्या रही? अजमेर। लेकिन जब अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती थी तो ये कुछ समय राजधानी शिफ्ट करके कहां पहुंचते थे? माउंट आबू। अब तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, जब क्रांति शुरू हुई होगी तो पैट्रिक लॉरेंस अजमेर में होगा कि माउंट आबू में होगा? हाँ, मई के महीने में क्रांति शुरू हो रही, मई गर्मी का महीना, उस जमाने में पैट्रिक लॉरेंस कहाँ बैठा हुआ था? माउंट आबू, ना कि मेन ऑफिस कहाँ था? अजमेर। क्योंकि अपने को यहाँ से भी एक कहानी लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ से आगे क्या है कि ये तो ठीक है पैट्रिक लॉरेंस एजेजी वगैरह, लेकिन कुछ बातें और याद रख लो। क्या मैं पूछे कि हमारे राजस्थान का फर्स्ट एजेजी कौन था, तो लोकेट, और हमें पूछे कि राजस्थान का अंतिम एजीजी कौन था, तो राजस्थान का अंतिम एजीजी कौन था? लेथियम। क्या नाम था उसका? लेथियम। बाकी वो तो लिथियम पढ़ते होंगे तुम लोग, पढ़ते हो ना लिथियम। क्या विशेषता है? सबसे हल्की धातु क्या होती है? लिथियम। अपने तो इससे काम है, किससे? लेथियम। तो पहला एजीजी राजस्थान का बना था लोकेट, लाश वाला कौन था? लेथियम। अपने को याद रखना क्रांति वाला, तो क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की इंफॉर्मेशन मिली कब?
19 मई। तो भाई साहब 19 मई को माउंट आबू से कहां पहुंचने वाले थे? अजमेर। और उनको पता पड़ जाता है किनको? किनको? क्रांतिकारियों को, मेरठ वालों को। एजीजी सबसे बड़ा अधिकारी, इसके पास सेना होगी, और ये सेना कहां पहुंचने वाली 19 मई के दिन? अजमेर। इसलिए वो मेरठ वाले कहां नहीं घुसते हैं और वो अजमेर छोड़ के कहां निकल गए? नासिराबाद। वो इसीलिए अजमेर में घुसने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो लिखो देखे एक बार, तो लिखो क्रांति में राजस्थान का एजीजी, लिखो क्रांति में राजस्थान का एजीजी, क्रांति में राजस्थान का एजीजी, लिखो पैट्रिक लॉरेंस, क्रांति में राजस्थान का एजीजी, लिखिए पैट्रिक लॉरेंस, लिखो मुख्यालय अजमेर व माउंट आबू, मुख्यालय लिखिए अजमेर व माउंट आबू, अजमेर व माउंट आबू, ठीक है। एक लाइन लिखो, लिखो पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की सूचना, लिखो आप लोग पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की सूचना, पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की सूचना 19 मई 1857, 19 मई 1857 माउंट आबू में मिली थी। पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की सूचना 19 मई 1857 माउंट आबू में मिली थी, माउंट आबू में मिली थी। दो बातें कोष्टक बना के लिख दो, लिखो राजस्थान का प्रथम एजीजी लोकेट, अब देखो जिसको अपन गले में टांग के घूमते उधर आदमी का नाम होता है, ऐसे अंग्रेज है ना वो लोग, ऐसे लिखो राजस्थान का प्रथम एजीजी लिखो लोकेट, और राजस्थान का अंतिम एजीजी लिखो लेथियम, राजस्थान का फर्स्ट एजीजी लिखो लोकेट और अंतिम लिखो लेथियम। लिख दिया आप सब लोगों ने यहां तक, मैं चलूँ यहाँ से आगे। अब देखो यहाँ से आगे क्या है, तो ये तो बात हो गई एजीजी की। अब अपने को यहाँ से क्रांति, देखो अभी तक अपने क्रांति पढ़ना शुरू नहीं किया, वो तो अब करेंगे। तो देखो क्या है कि अब हमें कुछ किन के नाम याद रखने हैं, क्रांति में उस रियासत का क्या राजा और उस रियासत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, मतलब क्या याद रखना है, पेज, रियासत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता है, पेज। अगर अपन बात शुरू करें, अपने कहां से बात शुरू करें हम, मेवाड़ से बात शुरू कर लें। तो क्रांति में, क्रांति में मेवाड़ के शासक कौन थे? तो आप ध्यान रखना कि क्रांति में मेवाड़ के राजा कौन थे। अब ध्यान रखना कि अपन ने इससे पहले एकीकरण भी पढ़ा था, यहां तो याद रहेगा है, यहां तो सब याद रहेगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं। लेकिन जिस दिन पेपर होता है ना, उस दिन ऐसे होता है, उल्टा सीधा कर देते हैं, स्वरूप सिंह को भेज देते हैं एकीकरण के अंदर, और भोपाल सिंह को उठा के कहाँ बिठा देते हैं, क्रांति में। ऐसा नहीं करना। एकीकरण के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? भोपाल सिंह। और मेवाड़ के समय, क्रांति के समय कौन थे? स्वरूप सिंह, ठीक है। तो क्रांति में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आप बताओगे कौन था? शौवर्स था, ठीक है। अगर आगे बात की जाए किस रियासत की, जोधपुर, तो क्रांति में जोधपुर का जो राजा था, नाम उनका क्या बताना है, तख्त सिंह। और क्रांति में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो नाम क्या बताना है, मैकमोहन, ठीक है। अगर अपन बात करें कहाँ की, जयपुर की, तो क्रांति में जयपुर का राजा कौन, तो राम सिंह, कौन सा नंबर, सेकेंड नंबर। और क्रांति में जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, नाम उसका क्या था, इडन, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन कहाँ की, कोटा की, तो कोटा में भी क्रांति का राजा कौन था, तो नाम क्या बताना, राम सिंह सेकंड। अब ध्यान रखना कि ये दोनों आदमी डबल रोल के अंदर नहीं है, ये दोनों आदमी क्या हैं, अलग अलग है। जयपुर वाले राम सिंह सेकंड कोई अलग आदमी है, कोटा वाले राम सिंह सेकंड कोई अलग आदमी। इत्तफाक है कि क्रांति में दोनों का नाम क्या हो गया, सेम। और क्रांति में कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसका नाम क्या बताना है,
बटन। अब एग्जाम के लिए चार रियासत, चार पॉलिटिकल एजेंट याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पेपर ऐसे ही आएगा, मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, कोटा लिखा होगा। इन चारों आदमियों के नाम आगे पीछे करेगा और वो तुम्हारे को पूछेगा इनको क्या कर दीजिए, सम्मिलित कर दीजिए किनका कौन पॉलिटिकल एजेंट था। ये आजकल यूं भी बनाते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब तीन के पॉलिटिकल एजेंट तो बिल्कुल उनके सामने क्या लिखे होंगे, सही, किसी एक का क्या लिखा होगा तो गलत वाला पहचान लेना। तो चार तो एग्जाम के लिए याद होने ही चाहिए। अब जरूरी नहीं कि राजस्थान की 19 रियासतें हैं तो साहब क्या 19 भी पॉलिटिकल एजेंट थे क्या, नहीं थे। क्रांति के समय राजस्थान में केवल 6 ही पॉलिटिकल एजेंट थे, जिनमें से 4 के नाम अपन ने क्या कर दिए, लिख दिए। और एक दो याद रखना हो तो अपन बात कर लेते हैं कहाँ की, एक भरतपुर। तो क्रांति में भरतपुर का राजा कौन था, जसवंत सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट जो था उसका नाम बताना है तुम्हारे को क्या, तो उसका नाम क्या था, मॉरिसन। और याद रखो तो अपन बात कर सकते हैं कहाँ की, सिरोही की, के क्रांति में सिरोही के राजा जो थे उनका नाम क्या बताना है, शिव सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो नाम उनका ऐसा ही था, नाम उनका क्या था, जे डी होल। ना तो जे कौन है मेरे को आज दिन तक नहीं पता, ना डी कौन है मेरे को नहीं पता, मैंने तो एग्जाम क्या याद करके पास कर लिया, होल नाम का आदमी सिरोही का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट। ये दो याद हो नहीं हो, ऊपर वाले चार तुम्हें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो एक बार ऐसा कैसा छाप लो देखे फटाफट। रियासत राजा पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़, मेवाड़ के राजा कौन थे, स्वरूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, शोवर्स। इनको याद भी रखते हैं ऐसे कुछ, मेवाड़ में जो लोग होते हैं ना बड़े आराम तलब जीव होते हैं, तो वो घरों में बाल्टियों का प्रयोग नहीं करते नहाने के लिए, बाथरूम में किसका प्रयोग करते हैं, वो फवारा होता ना फवारा, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सावर बोलते हैं। तो शोवर्स हो गया है। जोधपुर का राजा कौन था, तख्त सिंह। अब जोधपुर को क्या बोलते हैं, मारवाड़। क्या बोलते हैं, मारवाड़। मारवाड़ यानी एम से स्टार्ट होता है, तो एम से स्टार्ट होता है तो कौन हो गया, मेघ मौसम। जयपुर की कौन सी स्कूल फेमस, ईडन। ईडन नाम की स्कूल होती है ना, तो जयपुर की कौन सी स्कूल फेमस हो गई, ईडन। ऐसे याद रखा था थे मार साहब हमारे को भी, आप तो लिख दो। जयपुर का राजा राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ईडन। कोटा का भी राम सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन। भरतपुर के राजा क्रांति में थे जसवंत सिंह और पीएजी थे मॉरिसन। ये सब अंग्रेज हैं। सिरोही का राजा कौन था, शिव सिंह। और सिरोही का पीएजी कौन था, तो क्या बताना है, क्या बताना है, जे डी होल। लिख दिया आप लोगों ने। अब अपने को कुछ रियासत और उनके राजाओं के नाम भी क्या रखने हैं, याद, ठीक है। तो मैं राजा बोल रहा हूँ, रियासत बोल रहा हूँ, आप लिखिए। लिखो करौली, लिखो मदनपाल। क्रांति में करौली के राजा कौन थे, मदन पाल, मदन पाल। नेक्स्ट लिखो झालावाड़, लिखो पृथ्वी सिंह। क्रांति में झालावाड़ के राजा कौन थे, पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट लिखो बांसवाड़ा, लिखो बांसवाड़ा। लिखो लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा लिखो लक्ष्मण सिंह, लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो बूंदी, नेक्स्ट लिखो बूंदी, बूंदी में लिखो राम सिंह, बूंदी में लिखो राम सिंह। फिर राम सिंह, राम सिंह के कितने आदमी बड़े हो गए, तीन। जयपुर वाला राम सिंह सेकंड अलग आदमी है, कोटा वाला राम सिंह सेकंड अलग आदमी है, बूंदी वाला फिर अलग है, लेकिन इकलौता ही था इसलिए ना फर्स्ट है ना सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो धौलपुर,
लिखो धौलपुर, लिखो भगवंत सिंह, क्रांति में धौलपुर के राजा लिखो भगवंत सिंह। नेक्स्ट लिखो अलवर, क्रांति में अलवर के राजा का नाम लिखिए बन्ने सिंह। आपने होते हैं ऐसे ना, क्रांति में अलवर के राजा कौन थे? बन्ने सिंह। नेक्स्ट लिखो टोंक, नेक्स्ट लिखिए टोंक। अब देखो क्या है कि टोंक में राजा नहीं होते, टोंक में कौन नहीं होते हैं? राजा नहीं होते। टोंक में राजा को बोलना है तुम्हें, क्या बोलना है? नवाब। अब टोंक में नवाब क्यों होता है उसका तो कारण अपन लिखेंगे अभी। तो क्रांति में टोंक का नवाब कौन था? वजीरुल्ला, नाम ही इसका ऐसे ही था। और कहीं कहीं इसको किस नाम से लिख देते हैं? वजीर अली भी कहते थे इसको। किस नाम से भी लिख देते हैं? वजीर अली भी इसको लिख देते हैं। वजीर अली, वजीरुल्ला एक ही आदमी का नाम है। अब टोंक में राजा नहीं होके नवाब क्यों होते उसका एक रीज़न है, क्योंकि हमारे पास कितनी रियासतें थी? अरे कितनी रियासतें थी? 19 रियासतों में से, राजस्थान की 19 रियासतों में से एकमात्र के 19 रियासतों में से एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी वो एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। और एक आदमी टोंक रियासत का क्या था? टोंक रियासत का क्या था? संस्थापक। तो टोंक रियासत का संस्थापक 1817 ईस्वी में कौन सा आदमी था? तो उस आदमी का नाम याद रखना चाहो तो रख लेना, क्या नाम था? अमीर खां पिंडारी। के अमीर खां पिंडारी ने 1817 ईस्वी कौन सी रियासत बसाई? टोंक। और टोंक राजस्थान की 19 रियासतों में से एकमात्र क्या थी? मुस्लिम रियासत थी। क्लियर? तो लिखो नवाब, लिखो टोंक का वजीरुल्ला, टोंक का नवाब लिखो वजीरुल्ला। और लास्ट लाइन लिख दो कोष्टक बना के, लिखो टोंक राजस्थान की एकमात्र, लिखो टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत जिसकी स्थापना 1817 ईस्वी, जिसकी स्थापना 1817 ईस्वी अमीर खां पिंडारी ने की थी, जिसकी स्थापना 1817 ईस्वी अमीर खां पिंडारी ने की थी, अमीर खां पिंडारी ने की थी। लिख दिया तुम लोगों ने, तो अपनी बात अपन यही रोक लेते हैं। आज मैंने पूछा नहीं, मुझे याद है, कल मैं कॉपी बंद करवा के पूछूंगा तुम्हारे से कि तुम्हारे को कितना याद हुआ के नहीं हुआ, है ना? तो कल से बात करते हैं यहाँ से आगे अपन, अब है ना।